आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। स्वतंत्रता दिवस पर शाही जमा मस्जिद में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से उपजी विवाद के बाद पुलिस ने बयानबाजी करने वाले शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे में शहर मुफ्ती के साथ उनके बेटे को भी नामजद किया गया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान पर शहर मुफ्ती का विरोध जताने वाला ऑडियो सामने आने के बाद मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाना मंटोला और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने कलेक्ट्रेट में एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। इस पूरे मामले में इस्लामिया लोकल एजेंसी से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो राष्ट्रीय झंडा फैलाने के लेके और राष्ट्रगान के लेके उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत हुई है और उसके बाद उनका धमकी भी दिया है, इस तरह का बात का आपने इसे वहाँ काम किया इस तरह का, उसके आधार पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, उसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। 15 अगस्त को शहर के शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण के संबंध में 16 अगस्त को दो ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें शहर मुफ्ती और एक अन्य व्यक्ति ध्वजारोहण करने वाले इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी को ऐसा नहीं करने की बात बोल रहे हैं, गलत शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। शहर मुफ्ती एवं अन्य ने ऑडियो में झंडा फहराने और राष्ट्रगान गाना भारत माता की जय के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने के साथ इसको हराम बताया है। 153B 505 सेक्शन और सेक्शन 0.8 और सेक्शन 3 राष्ट्रीय ध्वज अवमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस एफआईआर दर्ज करके जो उस पर दो लोग नामजद किया है और पुलिस इसकी विवेचना जारी रखी है। अब आगे विवेचना में जो भी सबूत इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। फिलहाल पूरे मामले में तमाम हिंदुवादी संगठनों और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर के बाद आगरा पुलिस ने बयान जारी करने वाले शहर मुफ्ती खुबैब रूमी और उनके बेटे अब्दुल कुद्दूस के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम के अंतर्गत अन्य गंभीर धाराओं में थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी को सुरक्षा प्रदान की गई है। उनका जो वादी अपना एक सुरक्षा मांगा है, अब उनके लिए हम उनका अपना खुद अपना सेंसिटिविटी ध्यान देखते हुए उनके लिए एक सुरक्षा भी प्रदान किया। भारत में रहकर तिरंगे को लहराने, राष्ट्रगान गाने और भारत माता की जय बोलना हराम बताना तिरंगे के खातिर शहीद हुए जवानों का भी अपमान है। ये राष्ट्रद्रोह एवं रासुका की श्रेणी में आता है। आरोपियों पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सेक्शन 3 153B 505 508 में मामला दर्ज हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही मुफ्ती शहर से फरार है। एसएसपी ने कई टीमों का गठन किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।